हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट गणित, कार्यपत्रक नंबर 87। और ये कार्यपत्रक है हमारा 11 फरवरी 2022 के लिए। इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पिछला कार्यपत्रक था। दो तीन कार्यपत्रक से हम लोग वही पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिविजन किसके लिए कर रहे हैं, जो हमारा टर्म टू का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये टर्म टू का एग्ज़ाम आप लोग का जो लास्ट अप्रैल तक में हो सकता है, ठीक है, वहाँ से शुरू होगा लास्ट अप्रैल से। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है, इसमें केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ही केस स्टडी दिया है फिलहाल, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और प्लस सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है कि गर्मियों में शरीर में नमी रखने के लिए सभी को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, ये तो सबको पता है। मिट्टी के मटके पैसे के और सेहत के लिहाज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए अच्छा विकल्प है। जो मिट्टी के मटके होते हैं वो पैसे भी कम लगते हैं उनमें और सेहत भी हमारा अच्छा रहता है अगर हम उनसे पानी पीते हैं तो। आगे बोला है, पानी के बर्तन के एक निर्माता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। मतलब ये है कि मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था वो स्टार्ट किया मिट्टी का बर्तन बनाना, और पहले महीने में कुछ बनाया होगा, दूसरे महीने में कुछ बनाया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है तीसरे महीने का। तीसरे महीने में उसने 250 यूनिट बनाया और छठे महीने में 400 यूनिट बनाया। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता है, यानी हर महीने जो उत्पादन है वो कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हर महीने 50-50 बढ़ जाए, ये है ना ऐसे, या फिर 60-60 बढ़ जाए ऐसे करके, तो हर महीने कुछ ना कुछ समान रूप से बढ़ रहा है उत्पादन। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। यही था हमारा केस स्टडी, जिसमें दो इन्फॉर्मेशन दिया है, दो नहीं तीन दिए हैं। तीसरे महीने में 250 यूनिट, छठे महीने में 400 यूनिट, ये दूसरा हुआ। और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है जो हमारा यूजफुल होगा वो है हर महीने जो उत्पादन है वो समान रूप से बढ़ता है। तीन इन्फॉर्मेशन दिया है, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी इसको पढ़ लीजिए, आगे चलेंगे तो सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न है, पानी के मटकों की संख्या ध्यान में रखते हुए एक समांतर श्रेणी बनाइए, यानी हमको एपी बनाना है, ठीक है, और प्रतिमाह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, पढ़ लिए। दूसरा प्रश्न है, आठवें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी आठवें महीने में कितने मटके बनाए गए। तीसरा है, 14 महीने में पानी के मटकों का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी 14 महीनों में जितना उसने मटके बनाए थे उनका टोटल कितना होगा, यानी टोटल कितने मटके बनाए थे 14 महीने में, वो हमको निकालना है, ठीक है। आगे प्रश्न, हाँ यहाँ पर तीन ही प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्न को चलिए हम लोग अब अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा केस स्टडी दिया गया है। इसमें दिया है कि गर्मियों में शरीर में नमी रखने के लिए सभी को ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, ये तो सभी को पता है कि ठंडे पानी की ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में, ठीक ना। मिट्टी के मटके पैसे के और सेहत के लिहाज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए अच्छा विकल्प है, है ना। जो मिट्टी का मटका होता है वो सेहत के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। तो पानी पीने के बर्तन कि एक निर्माता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट और छठे महीने में 400 यूनिट का उत्पादन किया। ऐसा समझिए कि जब से वो मिट्टी का मटका बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो तीसरा महीना जो था उस तीसरे महीने में उसने 250 मटके बनाए और छठे महीने में 400 यूनिट बनाए, यानी 400 मटके बनाए। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता है। जैसे जो हमारा उत्पादन है, मतलब मटका बनाने का जो है, वो हर महीने समान रूप से बढ़ता जाता है। जैसे इस महीने अगर हम 10 बनाए हैं तो अगले महीने 15 बनाएंगे, मतलब ऐसे कर करके 5-5 तो बढ़ता जाएगा, ऐसे कह लीजिए, मतलब एक फिक्स अमाउंट में वो बढ़ते जाएगा उत्पादन, समझ में आया। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है कि पानी के मटकों की संख्या ध्यान में रखते हुए एक समांतर श्रेणी बनाए और प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जो प्रति माह वो उत्पादित मटके हैं, जो मटका बढ़ रहा है उसकी संख्या हमको निकालनी है।
देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो मटका निर्माता है उसने पहले महीने में ए मटके बनाए। मटकों की संख्या जो उसने बनाया वो कितना है, ए है। चलिए मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना पहले महीने निर्मित मटकों की संख्या या उत्पादित मटकों की संख्या ए है। ठीक है, क्या है, ए है। पहले महीने जो भी उसने मटका बनाया उसकी संख्या ए है। अब क्या हो रहा है, प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ मटका बढ़ रहा है, तो प्रत्येक महीने मटकों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक महीने मटकों की संख्या क्या हो जाएगी। यहां पर देखिए, जैसे पहले महीने में उसने ए मटका बनाया, ठीक है, और दूसरे महीने में मान लीजिए ए प्लस डी, मतलब इससे कुछ बढ़ा के, और कितना बढ़ा है, समान अमाउंट में बढ़ रहा है, यानी समान संख्या में मटके हर महीने बढ़ रहे हैं, समझ में आया। और तीसरे महीने में उसने बनाया, इसमें भी समान रूप से जोड़ेंगे क्या, डी जोड़ दिए, यानी ए प्लस डी प्लस डी, तो कितना हो गया, ए प्लस टू डी हो गया तीसरा महीना। और चौथे महीने में बनाया ए प्लस थ्री डी, प्लस डी इसमें फिर कर दीजिए, फिर प्लस डी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, एक समांतर श्रेणी बन गया, ए पी बन गया ना। तो उसने बोला कि तीसरे महीने में जो उन्होंने मटके का उत्पादन किया, मतलब इस महीने में, वो कितना होगा, a प्लस टू डी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 250 के बराबर। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस टू डी इक्वल टू कितना होगा, तीसरे महीने में, यहाँ ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, ये तीसरा महीना है, तीसरे महीने में उन्होंने बनाया 250 मटके, और वहीं पर छठे महीने में, तो छठा महीना कहाँ पे आएगा, a प्लस फाइव डी हो जाएगा। जैसे भाई तीसरा महीना में a प्लस टू डी आ रहा है, फिर चौथे में a प्लस थ्री डी, तो छठवें में क्या होगा, a प्लस फाइव डी होगा, मतलब एक कम हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसमें कितने यूनिट बन रहे हैं, 400 यूनिट। इसको समीकरण एक ले लीजिए, इसको समीकरण दो ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों का हल कर देते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को घटा दें तो ये माइनस है ना, अब 2d में से 5d, ये तो जीरो हो गया, चलिए 2d माइनस 5d कितना होगा, माइनस 3d हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे 5 एंड 1 और माइनस में। ठीक है, मतलब 400 में से हम लोग 250 घटा देंगे और माइनस लगा देंगे, तो कितना हो गया, माइनस 150। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3d इक्वल टू 150। यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 150 अपॉन 3 इक्वल टू, काट दीजिए, 3 × 5 = 15 और 0 यानी 50। तो यही जो d होगा हमारा क्या होगा, प्रति माह उत्पादित, समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रति महीने कितना समान रूप से मटके उत्पादित हो रहे हैं या बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं, उसकी संख्या हो जाएगी। क्योंकि देख सकते हैं अगले महीने में डी, फिर अगले महीने में डी, फिर अगले महीने में डी, फिर अगले महीने में डी, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं उत्पादन। ठीक ना, तो प्रत्येक महीने समान रूप से जो उत्पादित मटके हैं उसकी संख्या क्या होगी, 50 हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ये पहला प्रश्न है। ठीक ना, पहले प्रश्न का उत्तर है अतः समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या 50 होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा हो गया, उत्पादित मटकों की संख्या कितनी होगी, 50। आगे चलते हैं, बोला है कि आठवें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। अब आठवें महीने में क्या होगा, देखिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आठवें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है आठवां महीना कब होगा, जब इस एपी का आठवां पद आएगा, मतलब पहला महीना यानी पहला पद, दूसरा महीना यानी दूसरा पद, तो आठवां महीना यानी आठवां पद होगा। तो आठवां पद क्या होता है बताइए, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे आठवें
महीने, आठवें महीने में पानी के मटकों की, मटकों का उत्पादन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जो हमारा एपी है उसका आठवां पद हो जाएगा, यानी A8 कितना होगा, A प्लस 7D हो जाएगा, ठीक है, 8 यहां पे है, यहां पे N माइनस 1 हो जाता है, यानी 8 माइनस 1 तो 7D हो जाएगा, इक्वल टू A कितना है। अच्छा हाँ, यहां पर देखिए, अब हमको पहले महीने में उत्पादित मटकों की संख्या तो नहीं पता है ना, तो पहले वो हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर डी तो हमको मिल गया है। अब डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो हमारा आ जाएगा किसका, ए का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन वन में, तो ए प्लस 2D इक्वल टू कितना है, 250, और यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 2D, है ना, और 250 माइनस 2 इंटू डी कितना है हमारा, 50 है, 50 रख दीजिए, तो 250 माइनस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 100, है ना, और 250 में से 100 घटाएंगे तो 150 बचेगा, यानी ए पहले महीने में कितने उत्पादन हुआ, 150 मटकों की, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 150, और डी का वैल्यू 50 है, रख दीजिए 150 प्लस 7 इंटू यहाँ पर डी का वैल्यू है 50, रख दीजिए 50, सॉरी यहाँ पे 150 है ना, चलिए इसके बाद 150 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 × 35, यानी 350, 350 जोड़ दीजिए, 150 और 350 ये हो जाएगा 500 मटके, ठीक है। तो आठवें महीने में पानी के मटकों का उत्पादन कितना होगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा प्रश्न है हम लोगों के पास, तीसरा प्रश्न है 14 महीने में पानी के मटकों का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए, यानी 14 महीने में टोटल जितने भी मटके उत्पादित किए गए हैं, मतलब जितने भी मटके बनाए गए हैं उनकी संख्या हमको निकालनी है, कैसे निकालेंगे चलिए। तो अगर हम लोग देखें तो पहले महीने में कितना मटका उत्पादित हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 150, है ना, 150, और दूसरे महीने में कितना होगा, ए प्लस डी, यानी 50 बढ़ते जा रहा है, तो दूसरे महीने में कितना हो जाएगा, 150 बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर तीसरे महीने में कितना होगा, 250 हो जाएगा, फिर चौथे महीने में देख सकते हैं 300 हो जाएगा, फिर पाँचवें महीने में 350 हो जाएगा, और छठवें महीने में 400 हो जाएगा, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर एक ये एपी बन रहा है ना, तो अब हमको क्या निकालना है, पहला महीने में इतना बना, दूसरे महीने में इतना, तीसरे महीने में इतना, चौथे महीने में इतना, पाँचवें महीने में इतना, छठवें महीने में इतना, यानी सबको जोड़ना है, कितने महीने तक, 14 महीने तक, यानी 14 महीने में जितने भी मटके बनाए गए उनकी संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा एपी है उसका सम निकालेंगे, यानी योग ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, S14 यानी 14 महीने में, ठीक है, क्या होता है, N/2, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए, है ना, चूँकि Sn इक्वल टू होता है N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है हमारा जो योग होता है उसका फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है, n का वैल्यू 14 रखना है, क्योंकि हमको 14 महीने का निकालना है ना, तो S14 इक्वल टू हो जाएगा 14/2, यानी 7 हो गया, और 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 150 है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 150 प्लस n कितना है, 14 है, 14 - 1, और इंटू डी का वैल्यू है 50, सभी को सॉल्व कर दीजिए, तो आ जाएगा 7 और ये 150 × 300 प्लस 13, ठीक है, 14 - 1 कितना होगा, 13, और 13 × 65 कितना हो गया, 650 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 7 और ये कितना हो जाएगा, 650 और 300, 639 यानी 950 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 7 × 9 = 35, 5 × 3 = 63, 3 × 66, यानी कितने मटके बनेंगे हमारे, 6650। 14 महीने में मटकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, टोटल 6650 मटके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग ये केस स्टडी अच्छे से हल कर लिया, एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। आपको यहाँ बस समझना था कि
पहले महीने में कितने बन रहे हैं, और हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया था इसमें ना कि तीसरे महीने में 250 यूनिट बने, ठीक है, और छठे महीने में हमारा बना 400 यूनिट, और तीसरे महीने के बाद लगातार समान रूप से बढ़ते जा रहे थे मटके। तो कितने बढ़ रहे थे वो? 50-50 बढ़ रहे थे, है ना, प्रत्येक महीने में 50-50 मटकों का उत्पादन बढ़ता जा रहा था। तो वहीं पर हमने निकाल लिया कि कितना बढ़ रहा है, 50-50 बढ़ रहा है, पहले महीने में कितना बना, 150 मटका, ए निकाल लिए हम लोग। तो एक यहाँ पर ए पी बन गया जिसका प्रथम पद 150 और सार्व अंतर 50 हो गया, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें निकाल लिए। तो आठवें महीने में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस 7 डी, तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 14 महीनों में जितने भी मटके बने उनकी संख्या आ गई कितनी, 6650 मटके, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये केस स्टडी, अगर ऐसा केस स्टडी आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, और शायद से आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाला है, लास्ट अप्रैल से शुरू होगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।